अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वाइट सॉस मैक्रोनी। उसके लिए लिया है 250 ग्राम मैक्रोनी। उसे हमने बॉईल करके ठंडे पानी में रखा हुआ है। स्वीट कॉर्न लिया हुआ है, दो प्याज लिया हुआ है चॉप कटी हुई, दो शिमला मिर्च, दूध लिया हुआ है आधा पाव लीटर, ब्लैक पेपर, नमक, मस्का 2 टेबल स्पून, चीज़ लिया हुआ है 2 स्लाइस, 2 टेबल स्पून मैदा, 2 गाजर चॉप की हुई। अब ये बर्तन में हम मस्का लेंगे। जितना मस्का लेंगे उतना ही मैदा लेना है, तो हमने 2 टेबल स्पून मस्का लिया, उसमें 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे और इसे सिर्फ भूनना है अच्छे से। इसे लाल नहीं होने देना है, इसका कच्चापन दूर होने तक भूनना है। और दूध जो है वो मैंने 1/2 लीटर लिया है। आहिस्ता आहिस्ता करके डालेंगे, इसमें लम्स ना पकड़े, और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे हम। अभी इसमें हम ये चीज़ मिक्स करेंगे। चीज़ डालने के बाद चेक करें, अगर आपको लगता है तो फिर आप नमक डालें। अभी एक बर्तन में हम मस्का डालेंगे, उसमें सारी सब्ज़ियाँ भून लेंगे, उसमें प्याज डालेंगे, खाली कच्चापन दूर करेंगे हल्का सा, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें अभी हम गाजर मिक्स करेंगे और स्वीट कॉर्न जो है वो मैंने बॉईल करके रखे थे, स्वीट कॉर्न को बॉईल करना ज़रूर, क्योंकि नहीं तो कच्चा रह जाएगा। देखो इसको थोड़ी देर हमने पकाया है हल्का सा एकदम, और शिमला मिर्च जो है वो लास्ट में डालेंगे क्योंकि वो जल्दी से हो जाती है। इसे भी हल्का सा भून लेंगे। इसमें नमक डालेंगे हम, नमक आप अपने हिसाब से लें, क्योंकि चीज़ और मस्का रहता है तो नमक रहता है, इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा लिया है। देखो ये बॉईल करके रखे थे ठंडे पानी में, इस तरह से होना चाहिए। अभी हम मैक्रोनी इसमें मिक्स करेंगे सब्ज़ी में, इसे अच्छे से पहले मिक्स करना है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। और अभी हम ये सॉस डालेंगे, वाइट सॉस और ब्लैक पेपर। मैंने चिली फ्लेक्स नहीं डाला है क्योंकि मेरे बच्चे नहीं पसंद करते। अगर आप लोग को चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखो कितने अच्छे से बन गए माशाल्लाह। इसे अभी हम सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे मम्मा की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।